A very good morning students. Today we will do exercise of your chapter 2 English grammar book, and that is on page number 16. Okay, we will do first exercise, A exercise. Let's perfect it. आपने पढ़ लिया है यहाँ पे नाउन क्या होता है, नाउन कितनी टाइप के होते हैं, सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, और नंबर फेमिनाइन मैस्कुलाइन क्या होते हैं, न्यूटर क्या होते हैं. ठीक है, चलो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज ए. कंप्लीट द वर्ड्स यूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस वन हैज़ बीन डन फॉर यू. यहाँ पे हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे. एक आपके लिए यहाँ पे दी हुई है ओवरकोट, जैसे कि यहाँ पे ओवर को मिला के कोट बन गया, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड नाउन. कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, जो दो या दो से ज़्यादा नाउन को मिलाकर एक नाउन बनाया जाता है और उसका एक डिफरेंट मीनिंग निकलता है, एक अलग ही मीनिंग निकल कर आता है, अलग ही चीज़ बन जाती है, वो डैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड नाउन. तो यहाँ पे फर्स्ट हो गया ओवरकोट, सेकंड स्पेसशिप. तो क्या हो गया, स्पेसशिप ये एक अलग चीज़ होती है. स्पेस मीन्स आकाश होता है ना, और शिप एक जहाज़ होता है, लेकिन स्पेसशिप क्या होता है, जो आकाश में चलने वाला जहाज़ होता है, डैट इज़ कॉल्ड स्पेसशिप. मून लाइट है ना, मून लाइट से दो वर्ड से मिलके एक वर्ड बन गया मून लाइट. ओके, सन सेट, आम चेयर. देखो बेटा, ये सब हमने आज की क्लासेस में कर लिए थे, लेकिन स्टिल मैं आपको दोबारा से एक वीडियो बना के सेंड कर रही हूँ, ध्यान से अपनी बुक में फिल कर लेना. नेक्स्ट बी एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन गिवन इन द ब्रैकेट. प्लूरल फॉर्म लिखनी है, प्लूरल्स मैंने आपको करवाए थे, लेकिन बेटा देखो बहुत सारे प्लूरल्स होते हैं, मतलब सिंगुलर से प्लूरल बनाए जाते हैं, लेकिन सारे नहीं पॉसिबल, आप इतने सारे ना तो लिख पाओगे ना ही याद कर पाओगे. ठीक है, स्कार्फ, जैसे हमने एक रूल किया था एफ को हटाकर VES लगता है, तो यहाँ पे होगा आई हैव सिल्क स्कार्व्स. ओके, स्कार्व्स SCARVES. ओके, सेकेंड वन, देयर आर पोटैटोज, पोटैटो POTATOES, पोटैटोज. ओके, इन द बास्केट. थर्ड, वी मस्ट ब्रश आर टीथ, टूथ का प्लूरल होता है टीथ, एवरी डे. ओके, फोर, दीज चेयर्स CHAIRS, ओके, आर केप्ट फॉर द गेस्ट. फाइव, द डैश वर वेटिंग एट द रेलवे स्टेशन, द लेडीज LADIES, मतलब वाई को हटा देंगे हम और उसकी जगह पे IES लगा देंगे, लेडीज. ओके, LADIES. ओके, लेडीज वर वेटिंग एट द रेलवे स्टेशन. चलिए सी एक्सरसाइज करते हैं. चेंज द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन नाउन एंड री राइट द सेंटेंसेज. फर्स्ट, माई सिस्टर गोज टू स्कूल, माई ब्रदर गोज टू स्कूल. देखो ये दिया हुआ है, सिस्टर को चेंज कर दिया हमने ब्रदर में. यहाँ पे सेकेंड वाले भी देखते हैं, अंकल है यहाँ पे, अंकल को चेंज करेंगे आंट में, AUNT. माई आंट सिंग्स वेल. ओके, थर्ड वाला पेज नंबर 17 पे, आई सो ए टाइगर एट द जू. टाइगर का क्या हो जाएगा, टाइग्रेस. यहाँ पे ई को यहाँ से हटा के आर के बाद रख देंगे और डबल एस लगा देंगे, आई सो ए टाइग्रेस एट द जू. बी केयरफुल, टाइग्रेस की स्पेलिंग करेक्ट लिखना. ओके, फोर्थ, द बॉय क्या हो जाएगा, गर्ल. द गर्ल प्लेड इन द पार्क. ये आर साइलेंट होता है अक्सर, तो आपको बोलना है पार्क, नॉट पार्क. फिफ्थ, द प्रिंसेस स्माइल्ड. प्रिंसेस का क्या हो जाएगा, प्रिंस. ओके, नाउ डी एक्सरसाइज. बेटा देखो, आपकी क्लास ओवर हो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, 35 मिनट की क्लास चलती है, 35 से ज़्यादा टाइम हो गया था, इसलिए क्लास ओवर हो गई थी. वैसे भी आपकी मैथ्स की क्लास थी नेक्स्ट, है ना. चलिए डी एक्सरसाइज करते हैं. राइट वेदर दीज वर्ड्स आर ऑफ मैस्कुलाइन फेमिनाइन न्यूटर जेंडर. तो मैस्कुलाइन बताया था मैंने, जो मेल को डिनोट करते हैं, फेमिनाइन जो फीमेल को डिनोट करते हैं, और न्यूटर जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं. तो आपको मैस्कुलाइन के लिए लिखना है एम, और फेमिनाइन के लिए लिखना है एफ, और न्यूटर के लिए लिखना है एन. ओके, किंग का क्या हो जाएगा, किंग क्या है, मेल है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने एम. टेबल नॉन लिविंग थिंग है, ये न्यूटर जेंडर है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया हमने एन. लाइन क्या है, मैस्कुलाइन है, यहाँ पे लिख दिया एम. ओके, अम्ब्रेला क्या है, नॉन लिविंग थिंग, उसके लिख दिया, उसके लिए लिखेंगे हम एन.
क्योंकि ये हो गया न्यूट्रल जेंडर, है ना। और मेयर, मेयर के लिए मेयर क्या है, मेयर है फेमिनाइन जेंडर, तो ये हो गया एफ। ओके, यहाँ पे लिखेंगे हम एफ, मतलब किंग के लिए एम, टेबल के लिए एन, लाइन के लिए एम, अम्ब्रेला के लिए एन और मेयर के लिए एफ। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। ओके, वॉच दिस वीडियो प्रॉपरली एंड डू योर वर्क।